चलो भाई आज देसी भाषा में तुम्हें बताऊँ मैं घूमने जा रहा बाग पाद अपनी दवा लेन और ये ट्रेन के पिछले डिब्बे हाँ पीछे पीछे आ रहे डिब्बे सभी और भाई ये जो बाहर का नज़ारे हैं और मैं मेरे दाव का नाम अनुज और सब और ट्रेन में काफ़ी भीड़ भी है भीड़ चौड़ है मैं और आपके साथ ही थे लड़का आऊँगा और जो ये स्टेशन आया बाग आया भाई रामपुर और ये रामपुर और उसके बाद ये स्टेशन आओगा ये ननोकता स्टेशन चलती है और बाहर के नज़ारे देखे तो कहीं बाग हैं कहीं कुछ फसल है घास बोए हुए हैं बाहर देख रहे बाग और जाना बाग पर एक से एक बाग है आड़ू अमरूद वगैरह के बाग हैं। उसके बाद कुछ ने अभी धान भी लगा दिया पात गोभी है देखो पत्ता गोभी है ये जल्लाबाद क्षेत्र के हिसाब से है पत्ता गोभी सब्जियों खेती होती है यहाँ जब करते हैं टमाटर भी लगाए हैं कुछ ने साठी लगा दी कुछ ने लोगों ने अच्छा उसके बाद जो है बाहर के बढ़िया नज़र है सुंदर हवाई चल रही है आज बढ़िया हवा चल रही है और ये औरत नहीं आए ये जड़ा पैसे मांगता फिर रहा ये जड़ा पैसे मांग रहा लेकिन कुछ धोखा भी देने लोग ही बन जाए जड़े थोड़े पैसे मांगने बाहर ये जो धान लगा दे देखो ये गेहूँ कट गए हैं और ये भट्टा है एक स्टेशन के लाई पास में ही है भट्टा ये पते हुए हैं भट्टे की ये लोग ट्रेनों की बाट देख रहे ट्रेन चलती कुछ लकड़े तोड़ रहे कुछ यहाँ देखो ट्रेन चलती और जो है हम बावली स्टेशन पर आएंगे बता क्या नाम धर दिया बावली कोई नाम धरने का कहा बावली किसी ने कह दिया रहे बावली स्टेशन का नाम पक गया फिर उसके बाद हम बड़ौदा गए जो है अब बागपत के हम नज़दीक हैं अब टटीरिया स्टेशन आ गया टटीरिया स्टेशन पर उतरेंगे बागपत का टेम्पू पकड़ेंगे और जहाँ का इंतज़ार हमें हॉस्पिटल का बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है आयुर्वेद पर भी हमें जो है विश्वास पूरा करना चाहिए और ये इंजन ट्रेन लेगा यहाँ से चलेगा और हम अपने टेम्पू भी डाल पड़ेंगे उसमें पहुँच देंगे अच्छा है बागपत जो अंजन वाला था ये अंजन लेगा चलेगा हम तो तैर दिए इसने चलो दिल्ली जाओ दिल्ली के लिए बाकी ट्रेन बहुत ट्रेन लेट आई आज 7:30 बजे आने थी 9:30 बजे आई बताओ वहीं पड़े रहा स्टेशन में वीडियो एडिट करो गया मैं दूसरी जो कॉमेडी वीडियो बनाऊँ और भैया आज थम घुमा दिए मुझे जो है अपने साथ साथ जो है टटीरी स्टेशन है टटीरी से यहाँ टेम्पू मिलेगा और सीधे बागपत और जी चले गए लोगों ने देखते थे जो टेम्पू में बैठ लिए यहाँ पे टेम्पू मिल गया टेम्पू थोड़ा रिम्मा चला है लोग गली बढ़ गए चलो भाई उसके बाद जो है हम चलते चलाते आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हम जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए इसे भी काम था भाई ने इसने दवा देनी थी डॉक्टर थे और भाई मुझे अपनी दवा लेनी थी यार जंग ये बंदर झूल ले यार बंदर भी झूल ले बहुत अच्छा लगा बंदर का बच्चा था ये देखो कितना बढ़िया हॉस्पिटल बना हुआ डॉक्टर ने दूर से करकाया ये आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है केरल और ये दक्षिण साइड से जो है तमिलनाडु वगैरह से इसने ये डिग्रियाँ कर रखी और ये इनके जो है नौकर जो लड़के हैं यहाँ काम करें जो और रूल है इनके भाई बाहर चप्पल निकाल लो बहुत सुंदर हॉस्पिटल साफ सफाई बहुत बढ़िया है यहाँ और सब कूटते पीसते हैं दवा कूटी पीसी और बड़ा मेहनत का काम है कि भाई ये दवा पीस रहे और लोग अदा दे रहे और लोग ठीक हो रहे डॉक्टर के लगा मेरे डॉक्टर ने दवा लिखी हमने अपनी दवा बढ़वाई देखो कितनी दवा सब देसी है कोई अंग्रेजी दवा नहीं है इसमें जारों में धरे हुए हैं पीसी भी ये लड़के दवा बना रहे हमारी भी दवा बना रहे हम दवा लेंगे चलेंगे उसके बाद जो आएंगे तो कोई ट्रेन का टाइम नहीं आया हमें खाया पिया और बस पकड़ने की कोशिश करी कि हम बस देख रहे फिर भी हमें जब तो जाने के बाद दोपहरी में बस मिल गई बस मिलने के बाद हम वहाँ से चले लगभग 7:30-8 बजे घर से निकले जो है हम वापसी आ गए 5:30 बजे 5:30 बजे तक पहुँचे कोई दिक्कत नहीं हुई बस में बैठे ये देखो बस चलो
हाईवे है, बहुत बढ़िया। और कैसा लगा वीडियो? ठीक थी।